हेलो एवरीवन, आई पंकज वासने वेलकम यू इन अनदर लाइव सेशन ऑफ सीसीटीपी द मैथमेटिकल लिटरेसी ऑर्गेनाइज्ड बाय केबीएस आरओ आगरा रीजन एंड इन दिस वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीसीटीपी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. Climbing Mount Fuji. ये Mount Fuji है क्या चीज? पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. Mount Fuji is a famous dormant volcano in Japan. अब बात आती है कि ये dormant volcano क्या चीज है? Mount Fuji is a famous dormant volcano in Japan. अब ये dormant क्या चीज है? इसको हम पहले डिस्कस करते हैं. Dormant volcanoes are volcanoes that have not erupted in a long time, but are expected to erupt again in the future. Okay, यानी ये एक ऐसे volcano होते हैं जो बहुत लंबे time से erupted नहीं हुए हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही शांत हो गए हैं. ये future में कभी भी दोबारा इनमें जो eruption है वो हो सकता है. Okay, इस तरह के जो वॉल्केनोज होते हैं उनको हम बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज. माउंट फ्यूजी है जापान में, तो हम इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं आज. थोड़ा सा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आए थे पीसा में हम उन्हें डिस्कस करेंगे अभी. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माउंट फ्यूजी इज ओनली ओपन टू द पब्लिक फॉर क्लाइंबिंग फ्रॉम 1st जुलाई टू 27th ऑफ अगस्त. आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल 1st जुलाई से 27th अगस्त के लिए ओपन किया जाता है हर साल. अबाउट 2 लाख पीपल क्लाइम माउंट फ्यूजी ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय लगभग 2 लाख लोग इसको देखने आते हैं. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. पहला क्वेश्चन ओके, तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑन एवरेज अबाउट हाउ मेनी पीपल क्लाइंब माउंट फ्यूजी ईच डे. आपको बताना है कि एक एवरेज में हर दिन कितने पीपल इस माउंट फ्यूजी पर क्लाइंब करते हैं. और इसके लिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए 345, बी 710, सी 3450 एंड डी इज 7100. तो मैं अब आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं. आपको आपको समझ में आ गया है? 1st जुलाई से 27th अगस्त के लिए ही ये खोला गया था केवल, ठीक है ना? और इस समय लगभग 2 लाख लोग ने इसको विजिट किया इस समय. अब आपको बताना क्या है कि ऑन एवरेज अबाउट हाउ मेनी पीपल क्लाइंब माउंट फ्यूजी ईच डे. पर डे का एवरेज आपका क्या होगा ये आपको बताना है. और मैं अभी आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं. आप लोगों के जो भी आंसर हैं वो चैट बॉक्स में डालिए. और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि इस तरह के सेशंस में आप एक रफ नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठा करें कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना? तो आज तो बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो तैयार हो जाइए उसके लिए. कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए हैं. प्रदीप कुमार कह रहे हैं आंसर है सी. फर्स्ट आंसर इज सी. ओके, अभी देखते हैं कि राइट आंसर क्या है. जयंता साहू के थ्रू ये है, ये ऑप्शन डी है 7100. अभी तक हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं. एक में हमारे पास आंसर आया है 3450 और एक में आंसर आया है 7100. ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. इसी का बता रही है कि इसका ऑप्शन सी सही है. अब देखिए, आपको एवरेज निकालना है तो बहुत ही आसान सी बात है. आपको आपको करना क्या होगा, टोटल कितने लोगों ने उसको क्लाइम किया, पहले तो हम ये बात विजिट किया, तो वो हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास है 2 लाख, फर्स्ट थिंग. अब हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, हम एवरेज निकाल लें पर डे का, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल डेज से. तो टोटल डेज देखिए, 1st जुलाई टू 27th अगस्त. जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31. अगस्त में
27, तो 31 और 27 टोटल होगा 58 डेज। अब आपको इसको डिवाइड करना है केवल, और आपके पास आंसर आ जाएगा कि राइट आंसर क्या है। बिल्कुल, अब तो आप बिल्कुल सब लोग सही पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। देव एंड श्रुति बता रहे हैं कि ये सी है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 3448 पॉइंट समथिंग। और जब हम इसको अप्रोक्स में लेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही जा रहा है? आप बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सी सही जा रहा है। और आज भी मैं देख रहा था कि ज्यादातर स्टूडेंट ने सी ऑप्शन ही सेलेक्ट किया था, इसलिए वो ऑप्शन सही जा रहा है हमारा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वन, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। द गोटेम्बा वॉकिंग ट्राइल, एक ट्राइल है वहां पर, ये मतलब यहां पर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना। अप माउंट फ्यूजी इज अबाउट 9 किलोमीटर लॉन्ग, ये 9 किलोमीटर लॉन्ग है, ये जो ट्राइल है ये कितना है, 9 किलोमीटर लॉन्ग है। अ वॉकर्स नीड टू रिटर्न फ्रॉम 18 किलोमीटर वॉक बाई 8 PM। अब यहां पर हो क्या रहा है कि आपको टोटल 18 क्यों हुआ, ये आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक सभी को अभी तक। 9 किलोमीटर का ट्रायल था ना, यानी 9 किलोमीटर के जो आपका ट्रेल था उसमें आपको 9 किलोमीटर तो जाना है पहले अप और फिर डाउन आना है 9 किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहां पर वो कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। और ये एक कंडीशन लगा रखी है कि आपको 8 बजे से पहले वहां से लौट लेना है, आपको उस ट्रायल से 8 बजे से पहले लौट लेना है इवनिंग में, ओके 8 PM से पहले आपको वापस आना है। एक तोसी एस्टिमेटेड दैट ही कैन वॉक अप द माउंटेन एट 1.5 किलोमीटर पर आवर। तोसी जिसको इस ट्रेल पे जाना था उसने एक एस्टिमेशन लगाया, उसने एस्टिमेशन क्या लगाया कि वो माउंटेन पर जा सकती है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप डायरेक्शन में, है ना। जब उसको माउंटेन पर चढ़ना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन एट ट्वाइस, इस पर ध्यान दीजिएगा, डाउन एट ट्वाइस दैट स्पीड। और जब वो वहां से वापस आएगी, डाउन में आएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगी, उसकी स्पीड कुछ फास्ट हो जाएगी। इस समय उसकी स्पीड कितनी हो गई है, डबल हो गई है। दीज स्पीड टेक इनटू अकाउंट मील ब्रेक्स एंड रेस्ट टाइम, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि इसके अलावा उसको रुकने में, उसको मील्स के लिए टाइम अलग देना है, रेस्ट के लिए अलग टाइम देना, नहीं, वो सारा कुछ इसके अंदर ले लिया गया है, इस स्पीड के अंदर उस सब चीजों को अकाउंट में ले लिया गया है। तो आपको बताना क्या, यूजिंग टोसीज एस्टिमेटेड स्पीड व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा लेटेस्ट टाइम चाहिए हम, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम ही कैन बिगिन हिज वॉक सो दैट ही कैन रिटर्न बाई 8 PM। वो अपनी वॉक को किस टाइम स्टार्ट करे, इस स्पीड से, स्पीड क्या थी आपको बिल्कुल क्लियर होगा, 1.5 किलोमीटर पर आर अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और जब डाउनवर्ड आ रही थी वो, तो उसकी स्पीड उससे डबल हो गई थी, है ना। अब 1.5 किलोमीटर अपवर्ड है तो डाउन में कितनी हो जाएगी, डाउन में हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आर, ओके। अब आपको तोसी की इस स्पीड एस्टिमेटेड स्पीड को लेना है, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम ही कैन बिगिन, मतलब आपको बताना है कि लेटेस्ट कितने बजे वो स्टार्ट कर दे जिससे कि वो 8 बजे तक, 8 PM तक रिटर्न हो जाए, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करिए और बताइए वो टाइम क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, टोटल 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में, 9 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अभी मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मैथ में आपको। अभी एक आंसर आया है कि 6 PM पर स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, अगर हम 6 PM पर स्टार्ट करेंगे और 18 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है, तो आप सोच रहे हैं कि आप 2 घंटे में 8 PM तक वापस आ जाएंगे क्या, थोड़ा और सोचिए। 6 PM इज द रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए।
9 किलोमीटर जाना है और 9 किलोमीटर आपको वापस भी आना है। ओके ओके ओके। तो देखिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आता है। बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको टाइम निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। आपका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना था यहाँ पर। अब आपको अगर टोटल टाइम निकालना है तो पहला जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा वो क्या है, 9 किलोमीटर जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उस समय हमारी स्पीड कितनी थी। उस समय हमारी स्पीड थी 1.5। तो हम क्या कैसे टाइम निकालेंगे इसमें, 9/1.5। और जब डाउनवर्ड में हम आए तो स्पीड कितनी थी हमारी, 3 थी। तो ये हो जाएगा 9/3। अब कैलकुलेट करिए इसको। कुछ आंसर्स आने स्टार्ट हुए हैं। प्रदीप कुमार बता रहे हैं 4 PM। ओके अब देखिए यहां से देखिए आप कितना टाइम लग रहा है हमको, 9/1.5 6, 9/3 3, तो टोटल 9 आवर्स लग रहे हैं। आप सोचिए आपको टोटल जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 9 आवर्स। और इस 9 आवर्स में उसको 8 PM तक लौटना है, तो कितने बजे उसको चलना होगा। अब तो बहुत ही क्लियर बात हो गई है। अब देखिए 9 आवर्स लगाइए कितने होंगे, इज इट 12 नून और 11 AM, बताइए। 9 आवर्स पूरे करने हैं, इज इट 12 नून और 11 AM। ओके तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ही सो ही मस्ट बिगिन हिज वॉक एट 11 AM। आप लगा लीजिए हिसाब, 11 AM से जब आप 9 आवर्स लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। सही है ना, ओजस बता रहे हैं, ओजस सिंह बता रहे हैं 11। बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। काफी स्टूडेंट बता रहे हैं 11। तो वो जो टाइम होगा उसको स्टार्ट करने का वो क्या होगा, 11 AM होगा। आप लगा लीजिए हिसाब है ना, 11 AM से जब आप 9 आवर्स टोटल काउंट करेंगे तो आपका 8 PM हो जाएगा। तो हमारा जो लेटेस्ट टाइम होगा उसको स्टार्ट करने का वो 11 AM होगा। उससे पहले तो आप जा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ओके तो आई थिंक अभी ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तोसी यूज्ड अ पेडोमीटर। जिन लोगों ने पिछला सेशन आप इसने ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, एक सर ने क्वेश्चन लिया था मनीष सर ने पेडोमीटर से रिलेटेड। पेडोमीटर क्या करता है, ये काउंट करता है स्टेप्स को ऑन हिज वॉक अलोंग द गोटेम्बा ट्रेल। वो जो ट्रेल थी उस पर उसके जो स्टेप्स थे वो उनको काउंट कर रहा था, उसका जो पेडोमीटर था। तो उसने उसको बताया हिज पेडोमीटर शो दैट ही वॉक 22,500। ध्यान दीजिएगा, 22,500 स्टेप्स ऑन द वे अप। नोटबुक रेडी रखिए अपनी कैलकुलेशन के लिए, 22,500 स्टेप ऑन द वे अप। ये ध्यान रखिएगा केवल अपवर्ड डायरेक्शन में जब गया है तो टोटल स्टेप कितने थे उसके, 22,500। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट तोसीज एवरेज स्टेप लेंथ फॉर हिज वॉक अप द 9 किलोमीटर गोटेम्बा ट्रेल। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स। आपको अपना आंसर सेंटीमीटर में देना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी आपको। 22,500 स्टेप्स है, टोटल डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, और आपको बताना है कि उसके एवरेज स्टेप लेंथ कितनी है। एक स्टेप की जो लेंथ है उसकी वो कितनी है ये हमें बताना है। कैलकुलेशन करनी होगी आपको थोड़ी सी, तभी आप उसके स्टेप की जो लेंथ है वो बता पाएंगे। ठीक है, मतलब उसके जो पेडोमीटर में, पेडोमीटर ने क्या शो किया बेटा, पेडोमीटर ने शो किया है देयर आर 22,500 स्टेप और टोटल डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि एवरेज लेंथ क्या है उसकी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए हमें कितने स्टेप यूज करने पड़ रहे हैं, हमें स्टेप यूज करने पड़ रहे हैं 22,500। आपने खास बात देखो बेटा कि ये जितने भी क्वेश्चंस पीसा में आते हैं
वो हमेशा हमारे जो डेली लाइफ होती है उससे रिलेटेड ज्यादातर होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड चीज है। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, आपको उसको ये बताना है बस कि उसका एक स्टेप की लेंथ क्या है उसकी जब वो चलता है। ओके, तो देखते हैं इसको, इसका आंसर कैसे निकलता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 9 किलोमीटर थी। तो कुछ आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अमित बता रहे हैं 2500, नहीं अमित सही नहीं है ये आंसर, 22500 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, अमित भारद्वाज बता रहे हैं। ओके चलिए, मयंक, मयंक ने बताया 40 सेंटीमीटर, वेल डन मयंक, दिस इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 40 सेंटीमीटर। अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे आता है ये, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी की तरफ से भी आंसर आ रहा है कि 40 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत सिंपल सर, आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस काउंट कर लीजिए कितनी है, और हमें आंसर किस में देना था, अपना आंसर हमें देना था सेंटीमीटर में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 × 1000 मीटर हो गया ये, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, सब जानते हैं हम इसको। और फिर हम इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो ये तो टोटल डिस्टेंस है जो हमको कवर करनी है, पहली बात। ओके, अब दूसरी बात हमें ये करना है कि जो एक स्टेप है वो कितना है। इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि 22500 स्टेप में उसने ये डिस्टेंस कवर करी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, पलक ओझा 40 सेंटीमीटर, पार्थ 40 सेंटीमीटर, पुष्पांजलि 40 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया गुड, है ना। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं है। अब अगर हमें एवरेज स्टेप लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इस मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर देंगे 22500 से, एक सिंपल डिवाइड आप करेंगे तो आपके पास उसकी जो एवरेज स्टेप लेंथ है वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। वो कितनी हो जाएगी, वो एवरेज स्टेप लेंथ हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में उसने उसको उसके स्टेप की लेंथ हो गई। ठीक है, ओके, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक है पेंगुइन, ओके, इससे रिलेटेड हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। द एनिमल फोटोग्राफर जीन बैप्टिस्ट वेंट ऑन अ ईयर लॉन्ग एक्सपेडिशन एंड टुक न्यूमरस फोटोज ऑफ पेंगुइन एंड देयर चिक्स। अब इन्होंने क्या कराया, ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ इन द साइज ऑफ डिफरेंट पेंगुइन कॉलोनीज। जो पेंगुइन की कॉलोनीज होती हैं, जहां पेंगुइन होती हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट होती है उस पर इनका पूरा फोकस रहा था। और इनके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस ग्रोथ रेट से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, नॉर्मली अ पेंगुइन कपल प्रोड्यूस 2x एवरी ईयर। यूजुअली द चिक फ्रॉम द लार्जर ऑफ द टू एग इज द ओनली वन दैट सर्वाइव। अब यहाँ पे लार्जर आप कैसे पता करेंगे, लार्जर इन्होंने माना था जिसका वेट ज्यादा होगा, तो उनमें से जो लार्जर है जिसका वेट ज्यादा है वो केवल सर्वाइव करता है और दूसरा वाला सर्वाइव नहीं करता है। ओके, विद रॉ होपर पेंगुइन, ये पेंगुइन है, द फर्स्ट एग वेट अप्रॉक्सीमेटली 78 ग्राम, 78 ग्राम, एंड द सेकेंड एग वेट अप्रॉक्सीमेटली 110 ग्राम। और देखिए अभी ऊपर वाली कंडीशन को आप पढ़ेंगे तो कंडीशन क्या थी वहां पर, यूजुअली द चिक फ्रॉम द लार्जर ऑफ द टू एग्स इज द ओनली वन दैट सर्वाइव। तो यहां आप समझ गए होंगे किसको सर्वाइव करना है, 78 ग्राम या 110 ग्राम। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 110 ग्राम है सेकेंड एग है। हाँ बच्चों ने आंसर देने की स्टार्ट कर दिए बहुत जल्दी, वेरी गुड। बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट, पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन क्या है, बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट इज द सेकेंड एग हैवियर देन द फर्स्ट एग। बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट इज द सेकेंड एग
हैवियर देन द फर्स्ट एग। सेकेंड एग फर्स्ट एग से कितना हैवियर है ये तो आप आराम से निकाल लेंगे, पर आपको मुझे बताना है अपने रिजल्ट को परसेंटेज में कितने परसेंट वो हैवियर है, ये आपको बताना है। कुछ स्टूडेंट ने आंसर बताना, देख सेकंड हैवियर है बेटा, क्वेश्चन ये नहीं है, आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि जो सेकंड एग है वो फर्स्ट एग से कितने परसेंट हैवियर है, परसेंटेज में आपको अपना आंसर देना है। परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेली लाइफ में भी। ओके देखिए, तो आपको कुछ ऑप्शंस मैं दे रहा हूं। ऑप्शंस हैं आपके पास 29%, बी 32%, सी 41% एंड बी 71%। क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए, बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट इज द सेकेंड एग हैवियर देन द फर्स्ट एग। जो दूसरा एग है वो पहले एग से कितने परसेंट हैवी है। ओके तो आंसर स्टार्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। मयंक बता रहे हैं इट इज 32%, पार्थ बता रहे हैं 71%। अभी हम चेक करते हैं कि राइट आंसर क्या है इसका। 32% मयंक का, दूसरा मयंक बता रहे हैं, तो अभी हम चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालेंगे उनके वेट का, और वो डिफरेंस कितना है वेट का, वो डिफरेंस है 32 ग्रेड। ओके अब जब डिफरेंस आपने निकाल लिया तो उसके बाद जब हम परसेंटेज निकालते हैं, तो देखिए परसेंटेज में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो आप लेंगे 32/78। यहां बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हम चेक किससे कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे परसेंटेज, हम किससे देख रहे थे, हाउ मेनी परसेंट इज द सेकेंड एग हैवियर देन द फर्स्ट एग। तो जो कंपैरिजन हो रहा था यहाँ पर, वो कंपैरिजन किससे हो रहा था, फर्स्ट एग से कंपैरिजन हो रहा था। अब जब फर्स्ट एग से कंपैरिजन हो रहा था तो जो टोटल क्वांटिटी आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, 78। 32/78 × 100, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 41%। तो राइट आंसर है इसका 41%। ओके अब देखिए परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपसे पूछा कि सेकंड एग कितना हैवियर है फर्स्ट एग से। ओके अगर हम उल्टा पूछ लेते हैं इसमें कि फर्स्ट एग जो है वो कितना लाइटर है सेकंड एग से, तो डिफरेंस उस कंडीशन में भी 32 ग्राम होता, लेकिन आपका आंसर उस कंडीशन में क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता 32/110 × 100, क्योंकि परसेंटेज का हम कंपैरिजन किससे निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया था वहां पर हम परसेंटेज किससे निकाल रहे थे, वहां पर हम परसेंटेज निकाल रहे थे, कंपेयर कर रहे थे फर्स्ट एग से, और वहां हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड एग से। तो डिवाइड में क्या आएगा, जो वेट आएगा वो किसका आएगा, सेकंड एग का आएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया इसका, बहुत बढ़िया बात है ये। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, इसी से जो रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन वंडर हाउ द साइज ऑफ ए पेंगुइन कॉलोनी विल चेंज ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अब इन्होंने एक रिसर्च करी और इन्होंने देखा कि किस तरह से पेंगुइन का जो कॉलोनी का साइज है वो चेंज हो रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस ही मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशंस। उन्होंने कुछ अपने एजम्पशंस बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग वो कॉलोनी में इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला क्या था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अभी इसी पे बेस्ड है हमारा अगला, है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 10,000 पेंगुइन। टोटल पेंगुइन कितने हैं, 10,000। ओके और इन 10,000 में 5,000 कपल हो गए, ये माना है उन्होंने अपने एजम्पशन में। तो फर्स्ट एजम्पशन है कि टोटल पेंगुइन है कॉलोनी में 10,000, 5,000 कपल्स। ओके अजम्पशन नंबर टू, ईच पेंगुइन कपल रेज वन चिक इन द स्प्रिंग ऑफ ईच ईयर। जो ईच पेंगुइन कपल है वहां पर हर कपल क्या करेगा, वन चिक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसी पे अजम्पशन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा। थर्ड अजम्पशन,
बाय द एंड ऑफ द ईयर 20% ऑफ ऑल द पेंगुइन, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का ही सारा खेल है, इस पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां क्या कहा है, 20% ऑफ ऑल द पेंगुइन मींस एडल्ट एंड चिक्स, ऑल, खाली चिक्स की बात नहीं हो रही है, विल डाई। वो अजम्पशन में क्या मान रहे हैं कि 20% पेंगुइन टोटल जो है मिलाकर वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, इसी पर बेस अब हमारा क्वेश्चन आएगा। हमें बताना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाउ मेनी पेंगुइन आर देयर इन द कॉलोनी, कितने पेंगुइन बचे हैं उस कॉलोनी में, आप फिर से समझ लीजिए एक बार। स्टार्टिंग में 10,000 पेंगुइन, जिसको हम 5,000 कपल्स मान सकते हैं, जो भी कपल है वो वन चिक को रेज कर रहा है इन ईयर, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर 20% ऑफ ऑल द पेंगुइन एडल्ट्स एंड चिक्स विल डाई, ऑल द पेंगुइन जितने भी थे उसमें से 20% डाई हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि एंड में साल के, जब साल का पूरा एंड हो जाएगा तो उस समय वहां कितने पेंगुइन होंगे उस कॉलोनी में, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर थोड़ा फोकस करिए, कुछ आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अनुकृति सिंह बता रहे हैं 3,000, ओके, एक आंसर आया है पलक ओझा का 2,500। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे टोटल पेंगुइन पूछ रहा हूं, टोटल पेंगुइन मींस उसमें एडल्ट्स भी हैं और उसमें चिक्स भी हैं, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी से आंसर आ रहा है 12,000, मयंक बता रहे हैं 12,000, गुड गुड, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि राइट आंसर क्या है। पार्थ गेमिंग बता रहे हैं 125 और 12,000, अब ज्यादातर तो लोग बता रहे हैं, है ना, और इसका राइट आंसर भी 12,000 ही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत कुछ नहीं है, आप इसमें सारा खेल यही है बेटा, पीसा के अंदर आपको बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उस पर बहुत फोकस करना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बहुत टफ नहीं होते क्वेश्चन कभी भी इसमें जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 10,000 थे टोटल शुरू में, है ना, तो आगे बढ़ते देखिए कैसे है, आप स्टार्ट करिए शुरू, टोटल पेंगुइन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000, आप मानते थे अभी 10,000 थे, 5,000 कपल्स थे जिसमें से, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कपल है ईच कपल रेज वन चिक, तो टोटल चिक कितने हो जाएंगे एट द एंड, कपल कितने थे 5,000, तो चिक कितने हो जाएंगे 5,000, ओके, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास टोटल पेंगुइन थे वो कितने हो गए एडल्ट और चिक्स को मिलाकर, वो हो गए 15,000, टोटल कितने हो गए 15,000। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं इसमें से 20% को माइनस करे आए थे, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो टोटल पेंगुइन है उसमें से 20% डाई मर जाते हैं, 20% इसमें से 20% जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा अगर हमें आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन था क्या, बट बाई द एंड ऑफ द ईयर 20% ऑफ ऑल द पेंगुइन्स विल डाई, and therefore total penguin at the end of the first year is 15,000 minus 20% of 15,000, 15,000 minus 20% of 15,000, और जब आप इसका 20% निकालेंगे 15,000 का तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000 minus 3,000 is equal 12,000, ठीक है, तो इस तरीके से काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, इसका राइट आंसर क्या है 12,000, ओके, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आया था वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी से आया था, रिफ्लेक्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, है ना, जो बहुत ही कम बच्चों का सही हुआ था, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। जीन एज्यूमिंग द कॉलोनी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द फॉलोइंग मैनर, उन्होंने क्या वो अपने मैनर बनाए थे, वो वही पुराने वाले, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर
कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, जो भी हमने पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था वहां भी हमने ऐसा ही माना था, याद है ना, हमने 5000 कपल माने थे, मीन्स 5000 मेल एंड 5000 फीमेल। यहां भी हम ऐसा ही मान रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर द कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पेंगुइन हु फॉर्म कपल्स। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, ये अजम्पशंस हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सेकंड, ईच पेंगुइन कपल रेज वन चिक इन द स्प्रिंग ऑफ ईच ईयर, सेम पुरानी वाली कंडीशन, सेम पहले वाली कंडीशन, ठीक है। देन बाय द एंड ऑफ ईच ईयर 20% ऑफ ऑल द पेंगुइन्स एडल्ट एंड चिक विल डाई, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। जो 20% पेंगुइन है वो यहां पर डाई हो जाते हैं, ओके। वन ईयर ओल्ड पेंगुइन विल ऑल्सो रेस चिक्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे वो पेंगुइन 1 ईयर का होगा तो वो भी अब क्या करेंगे, आगे जाके कपल फॉर्म करेंगे और वो भी चिक को फॉर्म कर सकते हैं, ये मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। बेस्ड ऑन द अबव अजम्पशन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ पेंगुइन पी आफ्टर 7 ईयर, ओके। आपको बताने हैं कि 7 साल बाद इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा बनता जा रहा है केस, है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पर आप, बिल्कुल जो अजम्पशन थे उसको आप ध्यान से समझिए। शुरू में 10,000 थे, ओके, 5,000 मेल 5,000 फीमेल, और उनमें से जितने भी, जो एक कपल था वो क्या कर रहा है, वो वन चिक को प्रोड्यूस कर रहा है ना। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरह से आप देखें ध्यान से तो 50% इंक्रीज हो रहा है हर बार, लेकिन 50% इंक्रीज होने के बाद 20% डिक्रीज भी हो रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इसको सही डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले बात आती है कि 50% इंक्रीज हो रहा है, कुछ आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। राकेश कुमार बता रहे हैं कि सही आंसर सी है, और हर्षित यादव बता रहे हैं कि सही आंसर है ए सी डी, गुड, काफी आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं ना। और जो इसका सही आंसर दे पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि वो आंसर कैसे आया था, तो समझ लीजिए कि आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है, ये रिफ्लेक्शन बेस्ड था क्वेश्चन, और बहुत कम स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दे पाए थे। अब ध्यान समझे कि देखिए आंसर को हम निकालेंगे कैसे, आप ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कुछ कुछ है ये, दो पार्ट यहाँ पे बेसिकली प्ले कर रहे हैं। पहला पार्ट है कि 50% का इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा पार्ट है कि 20% का डिक्रीज हो रहा है इसमें एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो जब 50% का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अगर 50% का इंक्रीज हो गया तो 100 + 50 टोटल कितना हो गया, 150% हो गया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने क्वेश्चन को देखा तो उसमें परसेंटेज तो था ही नहीं, उसमें तो क्या है, उसमें तो डेसिमल है, लेकिन क्या हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं जानते, हम जानते हैं क्लास 6 से, हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.5। यानी अब एक बात तो क्लियर हो गई कि 1.5 वाले ऑप्शन ही सही होंगे, ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, इनकी तो बात ही खत्म, इनको हटा दीजिए। अब हमारा या तो ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, ये अब हमें चेक करना है कि हमारा ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा पार्ट क्या हो रहा था, कि जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 20% कम हो रहे थे, ध्यान दीजिएगा 20% जब कम होंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 - 20 मीन्स 80%। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं 80% को जब कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 80/100 मीन्स 0.8, दिस बिकम 0.8। तो 0.8 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो
इस तरह से इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट था वो सही था। शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। और आपके पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यूट्यूब में कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको बैक जाकर भी सेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें सारा खेल इसी बात का था कि परसेंटेज तो थी ही थी, साथ साथ हमें उस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो एक क्लास सिक्स की जो बहुत छोटी सी बात थी उसका भी यहाँ इन्होंने यूज कर लिया था, है ना। तो वो जो पुरानी छोटी छोटी सी बातें हैं वो हमको अपने दिमाग में बनाए रखनी होंगी, तभी हम बढ़ पाएंगे आगे। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम आते हैं अगली प्रॉब्लम पर, इसके बाद एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे बस। सेलिंग शिप्स। अच्छा, जैसे कि आपको एक बात तो आप सबको पता ही है कि पीसा बेस्ड क्वेश्चन अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, टेंथ और ट्वेल्थ में भी पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ ये सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ इलेवेंथ के सेशन एंडिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का ही सेम क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया है। ओके, तो ये अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मूव्ड बाय सी। आप बिलीव नहीं करेंगे, है ना। आप क्या करते हैं, आप जितना भी ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेडिंग समझते हैं जो हमारा कोई भी सामान है, जो गुड्स वगैरह हैं, वो ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर। तो अभी तक तो हम क्या सोचते थे कि ज्यादातर जो सामान है वो या तो ट्रेन से या फिर रोड के थ्रू जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो 95% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो मूव करता है बाय सी। ओके, एंड बाय रफली 50,000 टैंकर्स, बल्क कैरीज एंड कंटेनर शिप्स, कंटेनर्स में जाते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दीज शिप्स यूज डीजल फ्यूल। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितने भी शिप होते हैं वो किसका यूज करते हैं, वो डीजल फ्यूल का यूज करते हैं मूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंजीनियर्स आर प्लानिंग टू डेवलप विंड पावर सपोर्ट फॉर शिप्स। अब इंजीनियर ने क्या करा, उन्होंने प्लान किया कि क्या केवल डीजल के अलावा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डीजल पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो अब समुद्र में तो क्या चीज है, सी में क्या है, उन्होंने कहा क्यों ना हम विंड एनर्जी का यूज करें। ओके, तो विंड एनर्जी का यूज करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल दिया। देयर प्रपोजल इज टू अटैच काइट सेल टू शिप एंड यूज द विंड पावर टू हेल्प रिड्यूस डीजल कंजम्पशन एंड द फ्यूल्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम डीजल को सेव कर सकते हैं, और डीजल को सेव कर देंगे तो एनवायरनमेंट पर तो अच्छा असर होगा ही होगा, ठीक है ना। तो किस तरह की डिजाइन दी उन्होंने, इस तरह की एक डिजाइन दी। एक शिप है ये, इसमें इन्होंने क्या करा, एक डेक से एक काइट लगा दी ऊपर, और ये काइट अगर जो विंड है वो हमारी ही रोटेशन की डायरेक्शन में है तो हम इसको ओपन कर लेंगे और इसकी हेल्प से क्या होगा, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा शिप को, जिससे शिप में जो डीजल का कंजम्पशन है वो बहुत कम होगा, डीजल का कंजम्पशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का है। यह सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। ये नाइन्थ क्लास में और एट्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, सभी में पूछा जा सकता है, उसी लेवल का क्वेश्चन है ये केवल। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग काइट सेल, ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ काइट सेल इज दैट इट फ्लाइज एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। ये फ्लाई कितने पे कर रहा है, 150 मीटर की हाइट पर चला जाता है ये, और देयर द विंड स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 25% हायर देन डाउन ऑन द डेक ऑफ द शिप। अभी आप ये याद रखिएगा, आप सबने साइंस में पढ़ा भी होगा इसको, है ना। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी विंड की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 150 मीटर की हाइट पर जो विंड की स्पीड है वो 25% ज्यादा होती है, हायर होती है, 25% हायर होती है। ओके, अब आपको क्या बताना है, एट व्हाट अप्रोक्सीमेट स्पीड डज द विंड ब्लो इन अ काइट सेल व्हेन अ विंड स्पीड इज 24 किलोमीटर इज मेजर्ड ऑन द डेक ऑफ द शिप।
बैक ऑफ द शिप पर क्या है स्पीड? 24 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना है कि उसकी अप्रोक्सी काइट के टाइप, काइट के जगह विंड की स्पीड क्या होगी, यानी 150 मीटर हाइट पर वो स्पीड क्या होगी। और आपके ऑप्शंस है 6 किलोमीटर पर आवर, बी 18 किलोमीटर पर आवर, सी 25 किलोमीटर पर आवर, डी 30 किलोमीटर पर आवर एंड ई 49 किलोमीटर पर आवर। अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 150 मीटर की हाइट पर जो विंड की स्पीड है वो 25% बढ़ जाती है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, ये मुझे सभी का सही आंसर चाहिए इसका। सही है, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कहां पर? ऑन द डेक ऑफ द शिप, डेक पर। यहां पर जो है इस जगह जो स्पीड है वो कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर है। और आपको बताना है कि जहां काइट है यानी कि एट द हाइट ऑफ 150 मीटर वो स्पीड क्या होगी। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, सी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। अभी तक ज्यादातर ऑप्शन जो आ रहे हैं वो सी और डी के बीच में ही आ रहे हैं। देखो बेटा डेक पर थी 24, है ना, ध्यान रखिएगा 25% हो जाती है इंक्रीज। सी आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सी 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 इज 25 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, ठीक है। सी प्रदीप कुमार बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर डी है। ओके मयंक बता रहे हैं इसका राइट आंसर डी है। इसिका बता रही है कि इसका राइट आंसर सी है, माधुरी पाल सी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। बेटा शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में आपने ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर 25 किलोमीटर पर आवर, वो नहीं है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि 25 हो जाएगी स्पीड, मैंने कहा है कि जो स्पीड है उसका 25% हो जाता है इंक्रीज। जो भी स्पीड है उसका 25% बढ़ता है। स्पीड कितनी थी हमारी? 24 थी। अब हम क्या करेंगे, इस 24 में प्लस करेंगे, हम क्या प्लस करेंगे, 25% ऑफ 24 को प्लस करेंगे इसमें, तब हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो ये 24 तो थी ही स्पीड, प्लस 25/100 into 24। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये इसको कट कर देगा, 4 टाइम 4 करेगा, 6 टाइम कट, तो आपके पास हो जाएगा 24 + 6 = 30। तो उस जगह स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। परसेंटेज को बहुत ध्यान से समझिए, है ना, परसेंटेज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरी है। और काफी स्टूडेंट ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं डी। ओके 24 + 25% of 24, ये आंसर चलेगा। ओके वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, गुड। हाँ तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये सबको क्लियर होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप फॉर द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर रोप है इस समय, ये समझ लीजिए, ये जो रोप है जिससे बंधी हुई है काइट, ये 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहते हैं। हाइट 150 है, और जहां हाइट होगी वहां तो एंगल 90 होगा ही होगा। आपको बताना है इस रोप की लेंथ क्या होगी, इस रोप की जो लेंथ है वो क्या होगी, ये आपको बतानी है। और आपके ऑप्शंस हैं 173 मीटर, बी 212 मीटर, सी 285 मीटर एंड डी 300 मीटर। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को चूज करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है भाई। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने कहा था ना कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 10th क्लास के लिए तो पूछा था सीबीएसई ने, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ये 8th और 9th के स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंगल आपको दे दिया है हमने, ये 45 डिग्री का एंगल है, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस हाइट इज 150 मीटर, और आपको इस रोप की लेंथ बतानी है।
रोप की जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। बी बताया है आंसर अभी, प्रदीप कुमार ने आंसर बताया है बी। ओके, गौरव बता रहे हैं, गौरव निगम आंसर बता रहे हैं बी। एस एस पवन राजन जी बता रहे हैं कि इसका आंसर सी है, ठीक है। आदर्श के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी बता रही है, वेरी गुड। मैथमेटिकल क्रिएटिविटी 212। देखिए बहुत अभी डिस्कस करते हैं क्या आंसर है, और मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसके अंदर कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को 8th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछ सकता हूं। तो कैसे करनी है कैलकुलेशन, हम वो डिस्कस करते हैं। आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, देखिए ध्यान से, ये डायग्राम है आपके पास। ओके, 45 डिग्री ये एंगल था, ये 90 था, ये 150 मीटर, और ये रोप की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 180 माइनस 90 माइनस 45 करेंगे तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो भी आ जाएगा 45 डिग्री का। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या हुआ, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे दो एंगल सेम हो गए हैं, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो 45 के अपोजिट यहाँ साइड है ये 150 मीटर की, और यहाँ 45 के अपोजिट साइड ये है, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। एक राइट ट्राइंगल के अंदर हमको बेस भी मिल गया, हमको परपेंडिकुलर भी मिल गया, और हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, देखिए आंसर आने स्टार्ट हो गए। अनुकृति सिंह बता रही है कि इसका हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बहुत सिंपल है अब तो, है ना। जैसे हमको बेस और परपेंडिकुलर मिल गए तो देखिए तुरंत हमें याद आती है फेमस थ्योरम, द फेमस पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, और हम इनको प्लस करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है, तो 150 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 150 स्क्वायर हो जाएगा, और 150 स्क्वायर में से 150 बाहर निकल जाएगा यहां पर, और अंदर क्या बचेगा, 150 × √2। √2 की वैल्यू आप जानते हैं सब लोग कितनी होती है, दिस इज 1.414, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 212 मीटर। तो बहुत अच्छी बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें वो ज्यादातर सही आंसर दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और आप इसी तरह से बने रहेंगे तो ये जो आपके सीसीटी स्किल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो स्किल है आपके मैथमेटिक्स की, वो इम्प्रूव होगी। और केवीएस आरओ आगरा रीजन ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया हुआ है, जिसमें हम वीकली साइंस मैथ और इंग्लिश तीनों की क्लासेस चलती हैं। आप इनको वीकली ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और आपकी जो स्किल है मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश को डेली लाइफ में यूज करने की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी, और वो आपको बहुत फायदा देगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।